हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। अभी ना मुझे कोई काम तो था नहीं, आज मैं ट्यूशन नहीं गई, मैं घर पे ही थी, पर मैं सो गई, फिर उसके वजह से थोड़ा लेट हो गई। चलो कोई बात नहीं, पर मैं काम करने में इतना लेट हो गई, एक वीडियो की वजह से इतना कन्फ्यूजन हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो गया। सच्ची कह रही हूँ, फिर ज़्यादा कुछ काम भी नहीं हो पाया। सो ना मैं समीक्षा को क्या कहती थी, सुबह ना प्लीज़ समेट दे। जैसे कि आपको पता है ब्लॉग में मैं थक गई थी कल, तो मैं समेट के नहीं जा पाई, तो मुझे लगा उस मेट के नहीं गई होगी, पर वो समेट के चली गई थी और अच्छा हुआ वो समेट के चली गई। बस टब भी खाली करना था, अगर जो मैं होती ना वो जल्दी चली गई। मैं जैसे नहाने गई तो मैंने उसको कह दिया कि ये कर दियो, फिर क्या कहते हैं वो, मेरे को लगा भी तो काम करेगी, पर वो जल्दी जल्दी भाग गई कि भाई मैं उससे कुछ काम ना करवा लूँ, कुछ पूछ ना लूँ। ठीक है, तो वो बस टब खाली करके अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से और चली गई। मैं कहा चल ठीक है, टब मेरे को लगा टब भी नहीं खाली करके जाएगी, फिर अभी आके देखा तो बस पता चला टब को खाली करके चली गई थी। मुझे पूरे दिन टब की ही टेंशन हो रही थी कि टब मेरा नया धूप में पड़ा है, अब ये टेक्सचर और हो गया बनाने लायक तो नहीं है, खैर क्रम्बलिंग लायक हो गया है। मैंने पानी भी भर लिया लगे हाथ, इतनी कोई जरूरत नहीं थी, पर मैंने सोचा चलो फिर भी भर ही लेते हैं, क्या पता एक दिन। और इतना गुस्सा है ना कि मैं फ़ोन भी चार्जिंग पर नहीं लगा पाई। मैं सोची थी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, कोई वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड करके फिर करूँगी। मेरे को जब बहुत गुस्सा आता है जब मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं होता, और अभी भी उस बात पर इतनी चर्चाएँ चल रही हैं। चर्चा चले कोई बात नहीं, आरोप लगा रहे हैं यार, छोड़ो। चलो अब मैंने नहीं कहना, वरना फिर कुछ लोग जो मेरे इतने प्यारे सब्सक्राइबर हो कहेंगे आप हमारी बात नहीं सुनती, आप फिर भी इन बातों में पड़ जाती हो। ठीक है, तो मैं बस इग्नोर कर रही हूँ इन सब कमेंट्स को। ठीक है, और बाकी मुझे याद भी नहीं है उनका, पर हाँ, पर ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने कहा यार अभी तक ये इस बात को लेकर जूझ रही हैं। एग्जैक्ट कमेंट याद नहीं है मुझे, शुक्र है याद नहीं है, वरना मैंने फिर शुरू हो जाना था और फिर आप लोगों ने कहना था। इग्नोर करो इंशु, चलो अभी मैं व्लॉग बना लूँ तसल्ली से। जैसे ही सनसेट होगा ना वैसे ही मच्छर आ जाएंगे। इस टेक्सचर की खुशबू बहुत अजीब है और अलग है, पता नहीं ऐसा तो इसमें कुछ अर्दी है भी नहीं जिसमें खुशबू इतनी अर्दी है। वो तो आर्टिफिशियल लगते हैं, अद्धी बार टेक्सचर पता नहीं कैसे ही टेक्सचर है, हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। मैं सोच बच्चे खेल रहे हैं, ये इनकी आवाज़ें आ रही है, देखो कितना हार्ड हो गया। अच्छा वो पूरे में बिखेर के नहीं गई, कल देखती हूँ इसको। मैं कहा तू स्कूल भी नहीं जा रही फिर भी नहीं आ रही तू। अभी मुझे टेक्सचर्स भी बनाने हैं। मैंने सोचा था आज टेक्सचर बना लूँ, वीडियो ना बनाऊँ, पर मैंने सोचा नहीं फिर कल का काम नहीं चल पाएगा, दैट्स वाई मैंने बहुत कुछ बोल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है इतनी जल्दी 3 मिनट में, बाहर से क्रिस्पी सा हो गया पड़ा पता नहीं कैसे क्यों। वाओ खुशबू तो लाजवाब है। मैं सोचूं वीडियो किसकी रिकॉर्ड करूं, क्योंकि जितने भी वो सड़े से जो ख़राब हो गए थे बारिश में उनकी तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अब किसकी करूं मैं ये सोच रही हूँ। और एक तो शेप बनाना कौन सी है,
अब तो मैं सारी बड़ी बड़ी बना लेती हूँ। और मैं प्लस में मर्ड के वहाँ भी सफाई कराई हूँ सारी, पूरी मर्ड वो जमी गई थी, मतलब शेप उसकी जो हमें कर करके गए थे ना, किस किस को याद है हम कल क्या करके गए थे वहाँ पे, बता के ज़रूर जाना। मैं तो हाथ ही थक गया अभी ये वाला। चलो कुछ और भी दिखा देती हूँ मैं। शुरू में ही मैंने क्रम्बलिंग का बम फोड़ दिया। इस उल्टे हाथ से क्रम्बलिंग प्रॉपर हो रही है, पर उल्टा हाथ कैमरा नहीं प्रॉपर पकड़ पा रहा, ये क्या बात है। सीधा हाथ, सॉरी सीधा हाथ। खाती हूँ कितने नक्शे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये भी बनाना ही है किस्म से। इसका मैं क्या करूँगी, देखो उड़ता बहुत है टेक्सचर, इसके सारे चंक्स वहाँ लगा के ना, फिर इसके सारा के टेक्सचर खट्टक करके फिर मैं सोचूँ इसकी शेप्स बनाऊँ। और क्या करूँ, इसको भी टेक्सचर तब से रिताना है। इसकी क्रम्बलिंग करते हैं, चलो बोल्स मैंने साइड में रखी कि वीडियो पे हम नंबर करेंगे आज। और हाँ, लोग कहते हैं मेरे पास ग्रिटी टेक्सचर नहीं है, भाई है, पर दिखाती हूँ मैं कौन कौन सा ग्रिटी है। 1, 2, इसकी ग्रिटनेस कम लगती है, मुझे खुद लगती है, फील कम होती है, डोंट नो व्हाई। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टेक्सचर तो भाई है मेरे पास ग्रिटी, आज इसको भी बना के जाऊंगी। और ये वाले टेक्सचर ना सच्ची बता रही हूँ इतने हाथ गंदे करता है, इतने हाथ गंदे करता है, मतलब मैं अभी तो चलो मिट्टी लगी है इन, मैंने ये टेक्सचर बनाया था ना, मैंने उस दिन बताया नहीं क्योंकि मैंने खुद भी नहीं देखा था कि इतना ज़्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है। नीचे जाके देखे मेरे हाथ काले काले, बिल्कुल काले, मतलब जैसे मैंने चारकोल में काम किया हो, और काले ऊपर से मैंने इतने बार हैंड वॉश से करे, शैम्पू से करा, फेस वॉश से करा, तब भी नहीं हुए सही में इतने काले। और मैं सोचूं अगले दिन मुझे स्कूल जाना है, ये मैं कैसे करूं अब, क्योंकि हाथ तो दिख ही जाते हैं, कहेंगे कि क्या काला काला करके आई है। मैं क्या बोलूं कि मैंने काला तो कुछ खाना भी नहीं होता भाई, चलो खाना है कुछ, तो मैंने उसको क्या करा, फिर गर्म पानी में अपने हाथ को शैम्पू में रब करके डाला, फिर थोड़ा बहुत कहीं, मतलब इक्का दुक्का थोड़ा बहुत, बिल्कुल थोड़ा, तब जाके मेरे हाथ ठीक हुए हैं। तो इसीलिए ना इन काले टेक्सचर को बनाने के लिए मैंने ग्लव ऑर्डर कर दिए, दिखाती हूँ चलो मैं वो भी। पहले पानी देख लो कैसा, पता है पाइप छोटा हो गया तो पानी ना वहाँ पूरे जो ग्रिल है ना यहाँ पे भरना पड़ता है ग्रिल के पास, तो मैं बाल्टी वहाँ से फिर पाइप एकदम नीचे चला गया, अकेले भर नहीं पाऊँगी मैं पानी, उसका भी नया जुगाड़ देखते हैं। सो ये है मेरे ग्लव्स, ओह हाँ, एक पैकेट ये है, एक पैकेट ये है, ठीक है। तो एक ये और चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी। अब मैं क्या करूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ क्या करूँ, मैं देखते हैं बाद में, पहले मैं बड़ वाला एरिया दिखा के व्लॉग को ख़त्म करूँ पहले से। हाँ,
तो मैंने क्या करा, यहाँ से सारी साफ़ सफाई कर दी, टाइल्स वाइल उठा के जो टेक्सचर था वो यहाँ डाल दिया, ये पीसेस कुछ पड़े हैं और ये इसके मैंने सोचा व्लॉग में करूँगी, पीसेस एकदम आसानी से निकल गया टब में से, पर मेरा मन नहीं कर रहा। और ये वाली मड भी सूख चुकी है, इसका सैंपल देखते हैं, इसमें से नीचे की जो बहुत सारी सैंड थी वो निकाल दी, ओ तो बहुत सॉफ्ट हो गया, ऊपर से क्रंची हो गया, ऐश वाले टेक्सचर ना ऐसे ही होते हैं। ऐसा और बनाया जा सकता है ना, पर उसको ब्लैक रखने के लिए ना चारकोल ऐड करना पड़ेगा, और मेरे को लगता है चारकोल फिर कहीं पानी में डालूं और ऊपर ऊपर ही ना तैरता रहे। कितना सॉफ्ट हो गया भाई जब से इसकी वो निकाली है सैंड, वो सैंड हार्ड नहीं कर रही थी लगता है इसको, पर ज़्यादा नहीं कर रही थी, बस इतना कि बस वो थोड़ा इतना वो सेटिस्फाई नहीं लग रहा था। इसको भी मैं आज जमा के रख दूंगी। कल मैंने ब्लॉग देखा कि शुरू से ही क्रम्बलिंग नहीं दिख रही थी, और शुरू शुरू में मैंने इतने अच्छे अच्छे क्रंची क्रंची पीसेस क्रम्बल करे और वो ही नहीं दिखे, लास्ट में जो हार्ड हार्ड से थे ना वो दिख रहे थे। बताओ मैंने कहा ब्लॉग तो कोई ऐसा नहीं होता कोई शूट ना हो पाया, किसी का नहीं होता होगा जितना मेरा होता है। चलो अब इसको क्रम्बल करते हैं, अब देखो सही है, और अगर जो ये पीसेस यही पीसेस होते ना ये धूप में पड़े रहते, क्रम्बल ही नहीं होने थे, क्योंकि इनके अंदर सीमेंट है ना, मुझे जहाँ तक मेरे को लगता है ये सीमेंट की वजह से ही हार्ड होते होंगे। आधी वीडियो तो मेरी ये बनाना इतना दुर्लभ करता है, सच्ची कह रही हूँ, इतना रुकना पड़ता है, भोंकता ही रहता है, कोई गली में अगर जो कुछ दिख गया ना इसको कुत्ता, और उस पर पागलों की तरह भोंकता है, इतनी देर मुझे वेट करना पड़ता है, जब तक वो चला नहीं जाता ना गली से ही तब तक भोंकता ही रहेगा, भोंकता ही रहेगा ये कुत्ता, हमारा कुत्ता उस पर। चलो टाइम लगा तो यहाँ भी जमा के चल जाऊँगी, बाकी बाय बाय, रिकॉर्ड का देखती हूँ आपको, जो सी वीडियो देखने को मिल जाए सोच रहे हैं वो रिकॉर्ड हुई है।